आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज यूपी और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो दर दर भटक रहे हैं एफआईआर के लिए, लेकिन अभी तक इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 1,50,00,000 रुपए में इनका एक एग्रीमेंट होता है, जिसको दूसरे दस्तावेज बना के सिर्फ 20,00,000 रुपए में उस एग्रीमेंट को दिखाया जाता है। अब पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। चाचा, पहला तो अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सपहा, मौजा बैरिया सुरजनपुर, परगना सादुल्ला नगर, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर। क्या क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हमारे साथ फ्रॉड किया है महाराज, और ये जो DIG के यहाँ दरखास्त दिया उसमें उसने दिखाया कि हमारा उनका सुलह है, हम कुछ नहीं जानते हैं और हम सुलह नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड किया कि 50,00,000 देने को कहा। नहीं नहीं, एग्रीमेंट, पहला जो एग्रीमेंट हुआ वो कितने पे तय हुआ था आपका? वो पहले 1,60,00,000 पर तय रहा। 1,60,00,000, फिर क्या हुआ? फिर वो वह दिखा करके हमसे 20,00,000 पर करा लिया। हम 1,60,00,000 में रह गए, वो 20,00,000 पर कराया एग्रीमेंट। ये 20,00,000 में कैसे कराया? धोखाधड़ी से। कैसे? अरे वो 50,00,000 हमको देने को कहा, और जो उसके अगुआ थे अनिल लाला वो रहे नहीं मौके से, तो वो हमको बुलाए गए, लाले दिखाए कि 50,00,000 चलो तुम्हें दे थे, और वहाँ 1,60,00,000 वाला 20,00,000 पर करा डाली। अब बाद में हम पता पाए तो मुकदमा दीवाने में दायर कर दी। नहीं, उसमें दो दस्तावेज बनाने की जो बात आ रही वो क्या है वो बताइए खुल के। अब दो दस्तावेज, एक जो अनिल लाला के आता है भाई वो है, वही दिखा रहे हैं हमको, और अब हमने जानकारी नहीं है, हमें धोखा दे करके 20,00,000 पर सही एग्रीमेंट कराया। अभी कुल कितना पैसा दिया उसने आपको? हमको 15,00,000। 15,00,000 बयाना। हाँ, अभी ज़मीन किसके कब्जे में है? ज़मीन हमारे कब्जे में है। बैनामा तो हुआ नहीं होगा? बैनामा नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई? अब वहाँ से सिटी खियाँ भवा, पुलिस कप्तान खियाँ भवा, यहाँ जिला अधिकारी खियाँ भवा, DIG के खियाँ भवा। अभी तक आपको क्या कार्रवाई हुई अब तक आपकी एप्लीकेशन? ये हमें जानकारी नहीं है, जानकारी आज तो आप DM के पास मिलने ही आए हैं। इससे पहले आप कप्तान से मिल चुके हैं, CO से मिल चुके हैं, DIG को एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो वहाँ इतने जगह एप्लीकेशन देने पे क्या कार्रवाई हुई? अब इसको हमें नहीं पता क्या कार्रवाई कराई जाए। मतलब आपकी FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई है? नहीं, FIR नहीं दर्ज हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि FIR दर्ज हो, जो हमारे साथ धोखा किया गया उसका जाँच हो। तो ये थे वो पीड़ित जिनके साथ धोखाधड़ी कर इनका जो है एग्रीमेंट चेंज किया गया। 1,60,00,000 रुपए में एग्रीमेंट था, जिसे 20,00,000 रुपए में बाद में दूसरा दस्तावेज बना के कर लिया गया है। अब ये लगातार अधिकारियों की चौखट पर दरख्वास्त दे रहे हैं और मुकदमा लिखाने की जो है गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल ये जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए थे, DM से इन्होंने मुलाकात की है और ये मांग की है कि इनके मामले में संज्ञान लिया जाए और पुलिस कप्तान को एक लेटर भेजा जाए जिससे FIR इनकी दर्ज हो सके और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो सके। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।